भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।